हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड एडुटेक। स्टूडेंट्स, हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पर चर्चा कर रहे थे। बुक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स, राइटर एस सी वर्मा। और आज उसमें आगे बढ़ते हुए चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, 29 चैप्टर है, उसका क्वेश्चन नंबर 53 है। देखिए, ये बोल रहा है कि ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 10 न्यूटन पर कूलम्ब exists in the vertically downward direction, exists in the vertically downward direction find the increase in the electric potential, find the increase in the electric potential as one goes up to a height of 50 centimeter. देखिए, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसका आपको मैग्नीट्यूड दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलाम्ब, जो कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका वैल्यू दिया हुआ है 10 न्यूटन पर कूलाम्ब। आपसे ये पूछा जा रहा है कि इंक्रीज इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा यदि हम लोग इस पॉइंट से 50 सेंटीमीटर हाइट ऊपर साइड जाए, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल गिवेन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 न्यूटन पर कूलाम्ब एंड डिस्टेंस जितना के हाइट तक ऊपर ले जा रहे हैं इसको आर भी कह सकते हैं, दैट इज 50 सेंटीमीटर, और यू कैन से दैट इन SI 50/100 मीटर कैंसल हो जाएगा 1/2। आर बराबर 0.5 मीटर, आर बराबर 0.5 मीटर। अब इसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट का जो रिलेशन होता है, लिखेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट E बराबर माइनस dV/dr, इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। टेकिंग मॉड्यूलस या मॉड E बराबर माइनस dV/dr, टेकिंग मॉड E बराबर माइनस dV/dr, यहाँ से आ जाएगा E बराबर dV/dr, E बराबर dV/dr। इसके बाद इंटीग्रेट यदि कर देंगे तो E बराबर V/r। यहाँ पे जो E है वो इलेक्ट्रिक फील्ड को बताता है,
जो भी है वो आपको पोटेंशियल को बताएगा, और जो आर है वो आपको डिस्टेंस को बताता है। एंड नाउ यहाँ से यदि हम लोग को पोटेंशियल निकालना है भी, तो यू कैन हैव द फॉर्मूला भी इज इक्वल टू ई इंटू आर। तो यहाँ से लिखेंगे भी इज इक्वल टू ई इंटू आर, तो भी इज इक्वल टू ई इंटू आर। अब जो ई है दैट इज योर द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आर इज द डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 0.5, तो भी इज इक्वल टू 10, 5/10, भी इज इक्वल टू 5 वोल्ट। ये आपको आ गया वोल्टेज का वैल्यू, पोटेंशियल का वैल्यू 5 वोल्ट। आप चाहें तो यहाँ पर इसका जो यूनिट है उसको, जैसे भी है तो उसका फॉर्मूला आप जूल पर कूलाम भी लिख सकते हैं, मतलब उसका यूनिट भी इज इक्वल टू W/Q से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो सिंपल था बहुत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दिया हुआ है 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग 12 जूल ऑफ वर्क हैज़ टू बी डन अगेंस्ट an existing electric field against an existing electric field 12 joule of work has to be done against an existing electric field to take a charge of 0.01 coulomb from A to B, how much is the potential difference? VB माइनस VA, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा VB माइनस VA का? तो देखिए इसके लिए हम लोग क्या करेंगे ना, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें लिखेंगे कि जैसे 12 जूल का वर्क डन करना पड़ रहा है अगेंस्ट एन एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड टू टेक ए चार्ज। देखिए मान लीजिए ये आपको एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, और किसी चार्ज को हम लोग, जैसे एक चार्ज है यहाँ पे इस फील्ड में, एक चार्ज है यहाँ पे, इसका वैल्यू दिया हुआ है 0.01 कूलम, यह है पॉइंट ए और यह है पॉइंट बी। ए से बी तक ले जाने के लिए हम लोग को वर्क डन करना पड़ता है 12 जूल का, आपको पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हाउ मच विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस, ये भी बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। इसके लिए
पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू, उससे हम लोग इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग को बस डिवीजन करना होगा। देखिए वी इज इक्वल टू होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो यहाँ से वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, 12 जूल, चार्ज दिया हुआ है 0.01 कूलम। उस समय बताया था लास्ट मतलब ये क्वेश्चन में कि जूल पर कूलम बेस का यूनिट होगा 12 by 1 × 10⁻²। तो भी बराबर 12 × 10⁻², तो भी बराबर 12 × 100, दैट इज़ योर 1200 वोल्ट। भी बराबर 12 × 100, दैट इज़ 1200 वोल्ट। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद अगला सवाल है, टू इक्वल चार्जेज 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब ईच आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर। दो इक्वल चार्ज हैं और दोनों का आपको वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब का वैल्यू है दोनों चार्ज का, और वो 20 सेंटीमीटर का सेपरेशन पे रखा हुआ है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 55 है, दो इक्वल चार्ज हैं और इसका वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब, और इसका भी वैल्यू दिया हुआ है 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब, और इसके बीच का जो सेपरेशन है वो दिया हुआ है आपको 20 सेंटीमीटर। ए थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस्ड मिड अवे बिटवीन दीज टू चार्जेज। ए थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, यहाँ पर एक तीसरा चार्ज लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, और पॉइंट सी पे एक तीसरा चार्ज है और उसका भी मैग्नीट्यूड एकदम सेम टू सेम है 2 × 10⁻⁷ कूलम्ब। तो अब इसके बाद दिया हुआ है, इट इज़ नाउ मूव्ड टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेज, हाउ मच इज़ द वर्क डन। इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको एक पॉइंट तक ऐसे मूव किया जा रहा है कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट दोनों चार्ज से बिल्कुल भी इक्वल सेपरेशन पर है, 20 सेंटीमीटर ये भी है और 20 सेंटीमीटर ये भी है। ये वही सी है जिसको यहाँ से यहाँ लाए हैं। तो आपको बोला जा रहा है हाउ मच वर्क इज़ डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग को पोटेंशियल का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है, लिखेंगे एज वी नो दैट, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है वी इज इक्वल टू 1 by 4 pi epsilon naught Q by R, और इसको इजीली हम लोग लिख सकते हैं वी इज इक्वल टू KQ by R, K इज द कूलम्ब्स कांस्टेंट। अब इसके बाद ये जो पोटेंशियल एट पॉइंट सी है,
सी पे हम लोग क्या करेंगे, वी सी। यहाँ पे दो पोटेंशियल होगा, एक वी ए प्लस वी बी। चूँकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी होता है, तो पोटेंशियल कितने भी दिए हुए रहें, यदि उसका रिजल्टेंट आपको निकालना है, तो स्केलर क्वांटिटी होने के कारण वो डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट होता है, तो आप लीनियरली उसको जोड़ सकते हैं। तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगा वी सी बराबर वी ए प्लस वी बी। वी ए और वी बी दोनों इक्वल होगा, बिकॉज यहाँ पर चाहे चार्ज का मैग्नीट्यूड हो या डिस्टेंस हो, सेम है। तो वी ए बराबर वी बी, तो वी सी बराबर वी ए प्लस वी ए, वी सी बराबर वी ए प्लस वी ए, तो वी सी बराबर टू इंटू वी ए, वी सी बराबर टू इंटू वी ए, तो वी सी बराबर टू इंटू जो वी ए का वैल्यू है उसके लिए लिखेंगे के क्यू बाय आर। वी सी बराबर टू इंटू के क्यू बाय आर, तो वी सी बराबर टू इंटू जो के क्यू बाय आर है, इसमें के का जो वैल्यू है के, वो हो जाएगा आपको 9 × 10⁻⁹। चार्ज क्यू का वैल्यू है 2 × 10⁻⁷ बाय जो डिस्टेंस है वह है 10 सेंटीमीटर, मतलब 10 × 10⁻²। मीटर इसको ध्यान से समझिए कैसे इसको हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 2 KQ/R आया, तो K इज द कूलम्ब्स कांस्टेंट, वैल्यू 9 × 10⁹। जो Q है वो चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज का वैल्यू है 2 × 10⁻⁷। और जो R है वो डिस्टेंस को बता रहा है, टोटल डिस्टेंस था 20 सेंटीमीटर, और बीच से उसको यदि हम लोग बाइसेक्ट किए हैं तो सेपरेट सेपरेट जो डिस्टेंस है दैट विल बी 10 सेंटीमीटर, बट टेकन इन स्टैंडर्ड फॉर्म 10 सेंटीमीटर को लिख सकते हैं 10/100 मीटर, दैट इज 10 × 10⁻²। इसको यदि सॉल्यूशन किया जाए तो वी सी बराबर 2 × 9 × 10⁻⁹ × 2 × 10⁻⁷। और ये देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 10⁻⁹, लेकिन ऊपर जाके आ जाएगा 10⁻⁹, 10⁻⁹, तो 9 और 1 10, और ये हो जाएगा -7। इसको मल्टीप्लाई किया 2 × 9 18 × 2 36, तो वी सी बराबर 36 × 10⁻⁹ 9 और 1 10 में जाएगा 7, तो हो जाएगा 3। तो वी सी बराबर 36 × 1000 वोल्ट, तो वी सी बराबर आ जाएगा 36000 वोल्ट। दिस इज द वैल्यू ऑफ वी सी। अब अगेन मान लीजिए इस पॉइंट का नाम आप डी दे दीजिए, सपोज कीजिए इस पॉइंट का नाम दे दीजिए डी, और जब आप पोटेंशियल एट पॉइंट डी को फाइंड कीजिएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट डी, तो देन सिमिलरली इस स्टेज में भी आपको दोनों साइड से इसको समेशन करना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से कि वी डी बराबर फिर से वी ए प्लस वी बी, ए के चलते और बी के चलते। अब इसमें
जो बी ए है और बी बी है इक्वल है, तो बी डी बराबर बी ए प्लस बी ए, तो बी डी बराबर टू बी ए, बी डी बराबर टू बी ए। एंड नाउ दिस टाइम सेम टू सेम फार्मूला होगा, बस जहाँ डिस्टेंस के जगह हम लोग 10 सेंटीमीटर ले रहे थे, नाउ दिस टाइम वी विल टेक द डिस्टेंस एज। तो देन हम लोग यहाँ पर जो डिस्टेंस का वैल्यू है उसको चेंज करके बैठाएंगे, तो वी डी बराबर जो यहाँ पर लिखा हुआ है टू वी ए, दिस टाइम अगेन फार्मूला पर यहाँ पर पुट करेंगे, तो लिखेंगे वी डी बराबर टू इंटू के क्यू बाय आर। इट इम्प्लाइज दैट वी डी बराबर टू इंटू जो के है, के का वैल्यू फिर वही 9 × 10⁻⁹, 2 से इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि आगे यहाँ पर है, चार्ज का वैल्यू 2 × 10⁻⁷, और जो आर है आर का वैल्यू है 20 × 10⁻²। सेंटीमीटर में था उसको मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब इसके बाद फर्दर ऑन यदि हम लोग इसका सॉल्यूशन करेंगे, आगे सॉल्यूशन करने पर क्या मिलेगा, तो वी डी बराबर ये देखिए ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ से वी डी बराबर 2 × 9 × 2 × 10⁻⁹ जो 9 है ये −7 है, × 10⁻²⁰। अब इसके बाद −7 और ये 10 ऊपर जाएगा तो 10⁻¹। यहाँ पर आप देख सकते हैं 9 और 2 11, तो वी डी बराबर 18 × 10⁻¹ × 10⁻⁸, तो वी डी बराबर 18 × 10⁻³ वोल्ट, तो वी डी बराबर 18,000 वोल्ट। 10³ मीन्स हो जाएगा आपको 1000। अब इसके बाद जब यहाँ से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, तो पोटेंशियल का जो डिफरेंस है उसको फाइंड करना पड़ेगा। पोटेंशियल डिफरेंस को फाइंड करने के लिए दो अलग अलग जगह के बीच में जो पोटेंशियल है उसके बीच का जो डिफरेंस है, देखिए एक बार जो हम लोग को पोटेंशियल आया वो आपको मिला 36,000 वोल्ट, और जो एक बार आया उसमें आया 18,000 वोल्ट। तो यदि आप इसको माइनस करते हैं तो देन यू विल हैव द पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज इक्वल टू 18,000 वोल्ट। यहाँ पर लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे बीसी माइनस वी डी, 36,000 वोल्ट माइनस 18,000 वोल्ट दैट इज इक्वल टू 18,000 वोल्ट। ये क्या आया भी, और लेकिन हम लोग को चाहिए वर्क डन, तो वर्क डन का जो एक्सप्रेशन होता है जो फॉर्मूला होता है
दैट इज़ वी इज इक्वल टू डब्लू बाय क्यू. तो वी इज इक्वल टू डब्लू बाय क्यू, तो यहाँ से लिख सकते हैं डब्लू बराबर वी क्यू. देखिए इसी क्यू चार्ज को ले जा रहे हैं तो डब्लू बराबर वी आया है 18000 वोल्ट इंटू जो चार्ज है उसका वैल्यू है 2 × 10⁻⁷. इसका यूनिट होगा जूल, बिकॉज वर्क डन का यूनिट होता है जूल. अब इसके बाद हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो देन नेक्स्ट में पावर्स को थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा. वो कुछ इस तरीके से कि W बराबर 18000 को लिख सकते हैं 18 × 10⁻³ × 2 × 10⁻⁷ मल्टीप्लाई कर दीजिए 36 × 10⁻⁴ जूल. तो इसको 3.6 × 10⁻³ जूल. इतना अमाउंट का टोटल वर्क डन लगेगा यदि हम लोग उस चार्ज को 20 सेंटीमीटर अवे ले जाएं तो. तो स्टूडेंट्स इस प्रकार के क्वेश्चन में जब पोटेंशियल को ऐड करने का क्वेश्चन आएगा तो वैसे समय में आपको पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई जब जोड़ा जाएगा तो उसको आप लीनियरली जोड़ सकते हैं. उसके लिए आप वेक्टर सम लगाना कोई एसेंशियल नहीं है. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे तथा कुछ और डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को देखेंगे. आप लोग यहाँ तक देख कर रखिएगा, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे. ओके, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. थैंक यू वेरी मच.